आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें हम डाल देंगे बटर। तो 1.5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे बटर यूज किया है। तो पहले 1 बड़ा चम्मच और ये आधा चम्मच। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। आप चाहे तो सिर्फ तेल या फिर बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। तो 2 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर रखा था, तो इसे इसमें डाल दें। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर रखा था, तो इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे ट्रांसलूसेंट यानी कि हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है। तो इसे भून लें। अच्छे से इसे भूनने के बाद ये आप देख सकते हैं ये पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे डालकर अच्छे से हमें 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 2 मिनट बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है। तो 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च को मैंने काफी बारीक काट कर रखा है, तो हम इसमें इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इससे कलर अच्छा आता है और तीखा कम होता है। तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही यूज करें, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 मिनट बाद अब मैंने यहाँ पर ये फ्रेश मटर यूज किया है। तो 1/2 कप फ्रेश मटर मैंने यहाँ पर यूज किया। आप इसकी जगह फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। तो इसे भी डालकर हम पका लेंगे। तो ढककर हम इसे पकने देंगे। 2 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया, तो ये मटर अच्छे से पक चुकी है। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर को बिल्कुल बारीक काट कर रखा था, तो हम इसे इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद, मिलाने के बाद, अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक अभी मैंने आधा ऐड किया, आधा बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर लूंगा। आप चाहिए तो अभी ही सारा ऐड कर सकते हैं। तो ढक के पकने दें 2 मिनट। 2 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया, तो ये आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल मैश हो रहे हैं, ये देखिए। तो इस टाइम पर हम इसमें आलू डाल देंगे। तो 3 मीडियम साइज के आलू को मैंने पहले से उबाल के मैश करके रखा था, तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया है। तो 2 पिंच मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर यूज किया है, ये इसमें ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा कलर चाहिए तो आप इसे जरूर ऐड करें। तो इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें डाला। 2 छोटे चम्मच हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे। पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें किचन किंग मसाला ऐड कर सकते हैं, या फिर गरम मसाला की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो अब मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी यूज किया है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ ज्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें। बारी आती है इसे मैश करने की। तो मैश करने के लिए मैंने यहाँ पर पोटैटो मैशर यूज किया। आप इसकी जगह एक कटोरी या फिर ग्लास से भी ऐसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर ही यूज कर रहा हूँ। तो हम इसे मैश करते रहेंगे और बीच बीच में पानी इसे डालकर फिर मैश करेंगे, क्योंकि जितना हम इसे मैश करेंगे ये गाढ़ी होती जाएगी। जब मेरे पास पोटैटो मैशर नहीं था तो मैं भी ग्लास का ही यूज करता था इसे मैश करने के लिए, और इसका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता था। तो अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप इसकी जगह बेफिक्र होकर ग्लास से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो बीच बीच में हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लो मीडियम फ्लेम पर इसे मैश कर लेंगे। तो इसे लगातार इसे मैश करते रहें। आप चाहिए तो इसे सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं और बटर लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तेल डालने के 2 फायदे होते हैं, बटर जलता नहीं है और प्लस टेस्ट एनहांस होता है। तो ये अच्छे से मैश हो चुका है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी लिया है। ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। तो इसे ऐसे क्रश करके डालेंगे। तो इसे मैंने ऐसे डाल दिया। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तो 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप यूज किया है। इससे क्या होगा कि जो स्पाइसीनेस होगी भाजी में वो भी माइल्ड हो जाएगी, और अगर मसाले का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है तो वो भी कम हो जाएगा। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच बटर डाल देंगे। तो बटर डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारी भाजी बनकर तैयार है। अब हम इसे रख देंगे साइड में और अब हम पाव को टोस्ट कर लेते हैं। तो वापस से मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे बटर। तो 1 छोटा चम्मच बटर डाल दें और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और मैंने यहाँ पे ये पाव ब्रेड यूज किया है, इजिली आपको ये मार्केट में अवेलेबल होगा। तो इसे बीच में से काट कर मैंने इसे पैन में रख दिया है, और इसे दोनों साइड से हम इसे रोस्ट कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता डाल दें और पलट पलट के हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। बहुत लोग कहते हैं कि पाव को सिर्फ गर्म करना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से जरूर बनाइएगा जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। जब ये क्रिस्पी होगा तो इसका खाने का मजा दुगना हो जाएगा। तो ये हमारा पाव टोस्ट हो चुका है। तो सर्विंग प्लेट में मैंने भाजी, पाव और एक्स्ट्रा बटर और काफी सारे सैलड और टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व कर दिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।